हल्द्वानी झील का निरीक्षण करने पहुंचे वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने झील में साफ सफाई व कैदियों के लिए विभिन्न सुविधाओं को देखकर झील की पीठ थपथपाई। हल्द्वानी झील के वार्षिक निरीक्षण पर पहुंचे वन विकास निगम के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले एक साल में झील में बहुत बेहतरीन कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगता है कि वे झील में आए हैं और कहा कि स्वच्छता के मामले में झील मेरे घर से भी ज़्यादा स्वच्छ है। तो जेल के बैरक सहित शौचालय आदि सभी व्यवस्था एकदम चकाचक नजर आई। वहीं उन्होंने जाते जाते जेलर साहब के रिटायरमेंट के बाद भी उनके कार्यकाल बढ़ाने की बात कह डाली। बहरहाल जेल अधीक्षक सतीश सुखीचा का कहना है कि 535 बंदी की क्षमता वाली जेल में अभी 1800 बंदी रह रहे हैं। इसी जगह आया हूँ, कहीं मेला लगा है और बहुत शानदार, सब लोग खुशी मना रहे हैं और मेरे ख्याल से तभी संभव हुआ है जब किसी भी डिपार्टमेंट का हेड अगर उसका माइंडसेट इस किस्म का होता है, अंदर आकर के कितना सुंदर वातावरण और ये भवन, चित्रकारिता और सफाई, क्या क्या सुविधाएं यहाँ दिख रही हैं। मुझे नहीं लगता मैं जेल में आया हूँ, मुझे अच्छा लगा और मैं जेलर साहब को साधुवाद देता हूँ। जिस तरीके से हर कैदी आपको अपना गार्जियन समझ रहा है, अपना पिता समझ रहा है, और हर मैंने बहुत लोगों से कोशिश करी पूछने की, लेकिन उनने जवाब दिया कि हम बहुत खुश हैं यहाँ पर। जगह तो बढ़ाई नहीं जा सकती, बंदियों को कम किया जा सकता है, उसके लिए उधम सिंह नगर जिले की जेल का निर्माण चल रहा है। जैसे ही वो जेल बन जाएगी तो यहाँ कैदियों की संख्या कम हो जाएगी। तो कितने कैदी हैं इस टाइम पे यहाँ पे जो उनकी जो 535 की इस जेल की क्षमता और लगभग 1800 बंदी यहाँ निरुद्ध हैं। तो और क्या कमियां हैं जो बेहतर यहाँ? मेडिकल की दिक्कत रहती है, उसके लिए एम्बुलेंस की हमने डिमांड कर रखी है माननीय राज्य मंत्री जी से, अजय भट्ट जी से। जैसे ही वो मिलेगी तो हमें बंदियों को शिफ्ट करने में आसानी होगी।